जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के लिए 3309 पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई है इसके बारे में। ऑल इंडिया जॉब है, सभी राज्य के कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती को लेकर आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर पेपर होगा या नहीं, तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं, राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। टोटल यहां जो पोस्ट है 3309 पोस्ट है। ओके, आप आवेदन कब से कर सकते हैं? 24 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर 2022 तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद उम्र की अगर बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, ऑल इंडिया जॉब है, सभी राज्य के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। आपकी उम्र की गणना जो होगी 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल की, और एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। आप यहां ध्यान में रखें दोस्तों, यदि आप अन्य राज्य से फॉर्म भरेंगे तब आपको जनरल कैटेगरी की श्रेणी में रखा जाएगा। भले ही आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको जनरल कैटेगरी की श्रेणी में रखा जाएगा। बात हुई क्लियर? तो यदि आप अन्य राज्य से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको यहां पास जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, और यदि आप राजस्थान के हैं तब आपको आरक्षण का लाभ यहाँ मिलने वाला है, आपको उम्र में छूट यहाँ मिलने वाली है। ओके, इसके बाद यदि आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या अदर राज्य से इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तब आपकी फीस 500 रुपए लगेगी। इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनकी फीस 250 रुपए लगने वाली है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा पोस्ट। तो देखिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1289 पोस्ट निकाली गई हैं। यदि आपने जीएनएम का कोर्स किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखें दोस्तों, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। ओके, इसके बाद फार्मासिस्ट की पोस्ट निकाली गई है, 2020 पोस्ट है। यदि आपने डिप्लोमा किया है फार्मेसी में तो आप आवेदन कर पाएंगे। ओके, अब वेतन की बात कर लेते हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर को यहां 25,000 रुपए पर मंथ वेतन दिया जाता है। वहीं फार्मासिस्ट की अगर बात करें तो 5,200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए पर मंथ वेतन दिया जाता है, और 2,800 रुपए का यहां ग्रेड पे दिया जाता है। बात हुई क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पास पेपर नहीं होने वाला है, ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखें, आपका पेपर नहीं होगा। आपका यहाँ पास मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब ये मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी? तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता में, जैसे यदि आपने जीएनएम का कोर्स किया है, फार्मेसी में डिप्लोमा किया है, तो उसके नंबर को यहाँ पास जोड़ा जाएगा और आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। आपके एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। तो दोनों के नंबर को मिलाकर के यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है। ओके, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, और इसके बाद आपका यहाँ पास फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पास पेपर नहीं होगा, सीधे आपका यहाँ पास सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो आप यदि एलिजिबल हैं तो इन पदों के लिए जरूर आवेदन करिएगा, और यदि आपको कुछ भी दिक्कत आती है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों, ये रही थोड़ी सी जानकारी
राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।